रियल लाइफ में परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी सैलरी हाइक हो या कंट्री की जीडीपी ग्रोथ हो या आपका बिजनेस। परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। चलिए मानते हैं कि एक पेन की कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज, जो आपने 26 रुपीज में बेची। इस केस में आपका परसेंटेज इंक्रीज क्या रहा? इसे सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, जो प्राइस इंक्रीज है हम उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे, विच इज 6, एंड ओरिजिनल प्राइस हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, जो है 20। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड हमें आंसर आता है 30%। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज भी है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं कि एक बुक की कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज एंड हमने उसे 40 रुपए में बेची। इसमें परसेंटेज डिक्रीज क्या हुआ? प्राइस डिक्रीज है 10, जो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस, विच इज 50। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड इसका आंसर आता है हमें 20%। ये हमारा लॉस परसेंटेज भी है। आपने देखा कि परसेंटेज चेंज प्रॉब्लम्स कितने ईजी है। जाने से पहले इस सवाल का जवाब हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए।